यूपी के आजमगढ़ में एक स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत का मुद्दा गर्मा गया है। 11वीं क्लास की छात्रा की मौत मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत स्कूल की छत से गिरने की वजह से हुई। आरोप है कि लड़की के बैग से मोबाइल बरामद हुआ था, इसी को लेकर उसे जमकर डांट फटकार लगाई गई और प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने छत से छलांग लगा दी। इस मामले में गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया जा चुका है। रोज उसको परेशान करते थे लोग, रोज दो दो घंटे उसको खड़ा करते थे। मेरी बेटी 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी प्रिंसिपल, ये नहीं बता रही कि वो क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग, क्या पूछ रहे थे। मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कब बुलाया गया, 12:41 में मेरे पास फोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भैया वहाँ पढ़ाते हैं चिल्ड्रेन में, उनको नहीं बुलाए लोग, ना पुलिस को बुलाए। जब मुझे बुलाए तो मेरी बॉडी मुझे कह रहे आप ले जाइए। इसी बीच मृतक छात्रा की सीट के बगल में बैठने वाली उसकी सहेली ने घटना की हकीकत बयां की है। छात्रा के मुताबिक घटना के दिन यानी 31 जुलाई को छात्रा नॉर्मल थी। 5वीं घंटी के दौरान अचानक उसे बुलाया गया, वो प्राचार्य कक्ष में गई। 7वीं घंटी के दौरान पूरे स्कूल में हल्ला होने लगा। इस शोर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ लड़कियां बंदर के डर के चलते किसी छात्रा के गिरने का अनुमान लगा रही थी। अचानक स्कूल में छुट्टी कर दी गई। मृतक लड़की की सहेली के मुताबिक सामान्य तौर पर छुट्टी का वक्त दोपहर 2:30 बजे होता है, लेकिन उस दिन दोपहर 2 बजे ही छुट्टी हो गई। सभी छात्राएं स्कूल से बाहर निकल गई। मृतक छात्रा के बारे में उसकी सहेली ने बताया कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। 28 जुलाई को पहली बार उसे प्राचार्य कक्ष बुलाया गया था। वो क्लास में वापस लौट कर आई तो काफी परेशान थी। उसने क्लास में टीचर से कहा था कि उसकी रेपुटेशन कैसे वापस आएगी। इसके बाद सोमवार 31 जुलाई को दोबारा उसे प्राचार्य कक्ष में बुलाया गया। शायद वो इसे सहन नहीं कर पाए, इसके बाद उसने खौफनाक कदम उठाया। बता दें कि 7 अगस्त को आजमगढ़ मामले में कोर्ट ने भी प्रिंसिपल और टीचर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। एसोसिएशन का कहना है कि बिना जांच किए गिरफ्तारी करना सही नहीं है। इस बीच अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कई संगठनों के आह्वान पर 8 अगस्त को पूरे सूबे में सांकेतिक स्कूल बंदी की गई। इसी वजह से सूबे के ज्यादातर जिलों में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल बंद रहे और बंदी का असर साफ देखा गया। टाइम्स नॉन अब भारत डिजिटल की रिपोर्ट।